लिली एक बहुत ही अमीर मॉडर्न और बिगड़ैल किस्म की लड़की थी, जिससे उसके माता पिता भी परेशान थे, जिस कारण लिली के पिता राजवर्धन ने अपनी इकलौती बेटी की शादी एक गांव के गरीब लड़के से करवा दी थी। तुम्हारे पास लैम्बोर्गिनी या ऑडी नहीं है क्या? यू, ये बैलगाड़ी कितनी गंदी है। नहीं, गाँव में तो बस यही चलती है। तभी अचानक से आगे जाकर बैलगाड़ी एक गड्ढे में फंस जाती है। क्या हुआ, टायर ब्लास्ट हुआ है क्या? लकड़ी का टायर भी कभी ब्लास्ट होता है क्या? अरे नीचे उतरो, अब पैदल ही घर जाना होगा, बैलगाड़ी का चक्का कीचड़ में दब गया है। यू। फिर लिली नीचे उतरकर पैदल ही अपने ससुराल के लिए चलने लगती है। वहीं लिली ने हिल्स पहनी होती है, जिस कारण उसकी हिल्स गांव की कच्ची सड़कों में धंसने लगती है। छी, कितना गंदा गांव है, ना जाने डैड ने क्यों मेरी शादी यहाँ करवा दी। चलो, ससुराल तो बड़ा होगा, बस मुझे वही चाहिए। हाँ है ना बड़ा, अरे चलो। तो फिर लिली रजत के साथ गांव में जाती है, जहाँ गांव की सभी औरतें घूंघट में होती हैं, और वो लिली के छोटे छोटे कपड़ों को देखकर बातें बनाने लगती हैं, और बच्चे उस पे बहुत हंसते हैं। What is that? ये लोग हंस क्यों रहे हैं? अरे ये कपड़े कुछ ज्यादा बड़े नहीं पहने तुमने? है ना, मुझे भी लगा कि ज्यादा बड़े हैं। यहाँ कोई वॉशरूम है क्या? मैं भी चेंज कर लेती हूँ। अरे मेरी माँ, तुम घर चलो बस। वहीं दोनों घर पहुंचते हैं, जहां रजत का भरा पूरा परिवार नई बहू के स्वागत में खड़ा होता है। ये किसके झोपड़े में लाए हो तुम मुझे, और ये गांव भर के लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हैं? अरे यही तो हमारा घर है, और ये हैं घर के लोग। बस इतना सुनते ही लिली हो जाती है बेहोश। अरे लिली उठो, ने तो कहा था कि मेरा ससुराल बहुत बड़ा है। हाँ है, तो ये देखो ना, तुम्हारी चार चार नन, दो छोटे देवर, माँ पापा, चाचा चाची, उनका बेटा बहू, दादी दादा और बुआ फूफा, और उनके बच्चे भी तो हैं। बस दो दिन के लिए शहर गए हैं वो। तुम तो धोखेबाज हो, फ्रॉड करके बेहारा चाहते हो, मैं तुम्हें जेल भिजवाऊंगी, तुमने मुझसे झूठ कहा है। तब तो मुझे तुम्हें जेल भिजवाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे डैड ने मुझे तुमसे शादी करने के लिए फोर्स किया है, तो मुझ पे कोई केस वेस नहीं बनता। वहीं फिर मजबूरन लिली को रजत की पूरी फैमिली के साथ उस गांव में रहना पड़ता है। सुबह सुबह के वक्त, बहू, अरे ओ बहू, ये ले गोबर और जल्दी से पूरे घर को लीप दे, फिर सुनंदा बहू के साथ खाना बनवा लेना, और हाँ ये मिनी स्कर्ट छोड़कर ये साड़ी पहन लो। वही बेचारी लिली करती भी तो क्या, मजबूरी में ससुराल वालों की सारी बात मानती है और उनके कहे अनुसार सब काम करती है। ओ माय गॉड, इस घर में एक एसी तक नहीं है। भाभी ये देखो ना, ये खिड़की है ना, जब एसी वाली हवा लेनी है ना तो इसे खोल दिया करो, बहुत ठंडी हवा आती है। गवार, एसी और खिड़की में इसको फर्क नहीं पता। वहीं पारू लिली की बातों का बुरा मान के चली जाती है, लेकिन जब ज्यादा गर्मी होती है तो लिली खिड़की के पास जाती है। सच में यहाँ की हवा की ताजगी के आगे तो एसी भी फेल है। अब जब भी लिली को गर्मी लगती है तो वो खिड़की के पास जाती है और ताजी हवा का लुत्फ उठाने लगती है, और उसका ससुराल इतना अच्छा था कि धीरे धीरे वो अब उस माहौल में एडजस्ट हो जाती है, और उसे इस बात का पता भी नहीं चलता कि कब वो इस माहौल में रम गई। ये लोग मुझे कितना प्यार करते हैं, लेकिन जब इन्हें मेरी सच्चाई पता चलेगी तो। तभी लिली को एक कॉल आता है। मिसेस लिली मेहरा, आपके लिए गुड न्यूज है, अब ये भगवान का चमत्कार ही हो सकता है कि आपका ब्रेन ट्यूमर अपने आप जड़ से खत्म हो गया, अब आप एकदम हेल्दी हैं। तभी लिली ये सुनकर खुशी से फूली नहीं समाती। तभी राजवर्धन जी उसके घर आते हैं और लिली उन्हें सारी बात बताती है। बेटी, मैंने इसीलिए तो तेरी शादी गांव में कराई थी, मेरा मेन मोटिव तुझे सुधारना नहीं बल्कि तेरा ठीक होना था, और ये सब केवल रजत और उसकी फैमिली की बदौलत हुआ है, और इस गांव की ताजी हवा के चलते। जी पापा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके बाद लिली अपने पहले के बुरे बर्ताव के लिए अपने ससुराल वालों से माफी मांगती है, और इस तरह अमीर बहू अपने गरीब ससुराल में हंसी खुशी एडजस्ट हो जाती है।